हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और ये वीडियो की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, इसलिए मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी। और साथ ही साथ मेरे को 3 कैंपिंग गियर्स आप लोगों को बताने थे। कैंपिंग कह लो, हाइकिंग कह लो, या फिर ट्रैकिंग कह लो, तीनों के लिए आप लोगों को सबसे यूजफुल जो चीज़ें हैं वो इस वीडियो के अंदर हैं। और बाकी जो सारे गियर्स हैं तो उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जिसकी आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो है रक्सैक बैग, जो कि आप लोग ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बताएंगे और उसके बाद आगे की दो चीज़ें जो बच रही हैं उनको कवर करेंगे। जो ये बैग है ये है 65 लीटर का, और इस पर सबसे पहले आप लोग ट्राइपॉल की ब्रांडिंग देख सकते हैं। ट्राइपॉल जो है कि एक इंडियन कंपनी है जो कि बैग्स वगैरह, हाइकिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग गियर्स बनाती है, जिसके कि प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होते हैं। तो इसकी खूबियों की बात करें तो भाई खूबियाँ बेशुमार हैं, मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ मेन फीचर इसके हम लोग कवर कर देते हैं। तो ये बैग के अंदर आप लोग को इतनी सारी पॉकेट्स मिल जाती हैं कि भाई कह नहीं सकते, मल्टीपल पॉकेट्स जिसके अंदर आप लोग काफ़ी सारी एसेसरीज कैरी कर सकते हैं अपनी A to Z, और वो भी इजी तरीके से। तो साथ में आप लोग को यहाँ पर एक ऊपरी पैकेट मिल जाती है। तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी एक बात लगी, जो ऊपर साइड काफ़ी बड़ी पॉकेट दे रखी है, इसके अंदर आप लोग अपनी सारी यूजफुल चीज़ें रख सकते हैं, मेडिकेट से लेकर के अपने जो भी ग्रोसरी का सामान, जिससे कि आप लोग इजी एक्सेस कर सकते हैं। यहीं से आप लोग को पूरा बैग खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में आप लोग को यहाँ पर एक पॉकेट मिल जाती है, और इसके अंदर आप लोग कुछ भी सामान रख सकते हैं, अपनी वाटर बोतल से लेकर टिफ़िन से लेकर कुछ भी चीज़। और साथ में सेम पॉकेट आप लोगों को इस साइड भी देखने को मिल जाती है। बैग के सबसे नीचे साइड आप लोग को मिल जाती है इस तरीके की एक पॉकेट, जिसके अंदर आप लोग अपने मोबाइल से रिलेटेड या फिर पावर बैंक या फिर अपने लाइटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें इसके अंदर रख सकते हो, और इनको चलते चलते आराम से कैरी कर सकते हो। ठीक बैग के ऊपर साइड आप लोग को यहाँ पर मिल जाती है एक चैन, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है, जिसके अंदर आप लोग कुछ भी चीज़ें अपनी रख सकते हैं, इसको कि आप लोग कहीं पर भी निकाल करके इंस्टेंट यूज कर सकते हैं। बैग के नीचे साइड आप लोग को मिल जाता है शू कंपार्टमेंट, जिसके अंदर आप लोग शूज़ या फिर कुछ और चीज़ें भी रख सकते हैं। ओपन करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर दो कंपार्टमेंट मिलते हैं, जो कि दोनों अलग अलग हैं। तो ये कंपार्टमेंट अलग हो जाता है, ये कंपार्टमेंट अलग, दोनों को आप लोग एक में मिक्स कर सकते हैं। आपके पास अगर ज़्यादा सामान है तो आप इसको खोलेंगे तो ये सारा एक में मिक्स हो जाता है, या फिर आप लोग सेपरेट भी इसको यूज कर सकते हैं। बैग के सबसे ऊपर साइड आप लोग को मिल जाते हैं दो स्ट्रैप्स, जिनको खोल करके आप लोग यहाँ पर स्लीपिंग मैट या फिर अपना कैंपिंग टेंट वगैरह वगैरह रख सकते हैं। इस बैग में आप लोग को वाटर ब्लेंडर के लिए भी होल दे रखा है, आप लोग इसके अंदर वाटर ब्लेंडर अपना रख सकते हैं, और यहाँ से पाइप निकाल करके आप लोग इजी तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। भाई मेरे को ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हाइकिंग के दौरान या फिर ट्रैकिंग के दौरान। तो भाई इस बैग के अंदर जितनी पॉकेट कहूँगा ना उतनी कम है भाई, पॉकेट ही पॉकेट हैं। उसी जब से सबसे बढ़िया चीज़ लगी वो है इसकी चैन क्वालिटी, भाई सब कोई मतलब चीप क्वालिटी नहीं होगी, काफ़ी अच्छी गुड वर्किंग है और काफ़ी स्मूथ है। एक चीज़ जो मेरे को इसके अंदर सबसे सही लगती है, अगर आपके बैग के सबसे नीचे साइड सामान है तो आप लोग को सिंपली ये वाले चैन रिमूव करनी है, और आपको सिंपली इसको खोलना है, और यहाँ से आप लोग इजीली कैरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैग एडजस्टमेंट की, जो कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इजी है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथली वर्क करता है। कि जो ये बैग स्ट्रिप है ना, इससे जो है कि आपके कमर पे पेन नहीं होगा, इसको आप लोग लगाएंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल है। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी पैडिंग दी गई है, जो कि आप लोग को कम्फर्ट जोन फील करवाएगी, आपके बैग को पूरा पूरा सपोर्ट करेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रक्सैक बैग के अंदर। इसके बाद बात करते हैं भाई चेस्ट सपोर्ट की, तो चेस्ट सपोर्ट के लिए भी आप लोगों को एक स्ट्रैप मिलता है, जिससे कि सिर्फ आपके कंधों पे जोड़ नहीं जाएगा, आपके पूरे शरीर पे जाएगा, और इससे जो है कि काफ़ी हेल्प होती है। तो साथ में आप लोगों को रेन कवर के लिए रेन पॉकेट स्पेशली मिलती है, जिसके अंदर से आप लोग एक रेन कवर आराम से निकाल सकते हैं। तो चाहे तो आप लोग पहने हुए बैग में भी आराम से इसको इजी रिमूव कर सकते हैं, और उसके बाद बैग पूरी तरह से वाटरप्रूफ हो जाने वाला है। और अगर आप लोग ये कवर यूज नहीं करते हो तो फिर भी आपके बैग के अंदर इतने जल्दी पानी नहीं घुसेगा, क्योंकि वाटर रिपेलेंट जो इसका बैग का मटेरियल है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो वो पानी को बाहर की तरफ को ऑटोमेटिक बहा देता है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रेन के लिए कवर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग को जो स्ट्रैप्स मिलती हैं इस पे जो है कि आप लोग देख सकते हैं आराम से, काफ़ी अच्छी तरीके से इसके अंदर कुशनिंग की गई है, जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कराएगा, आपका कंफर्ट लेवल एक नंबर होने वाला है। तो भाई इस प्राइस रेंज के अंदर आपको इस तरीके की जो है पैडिंग बिल्कुल भी नहीं मिल सकती है, 3 सेंटीमीटर की आप लोग को ये पैडिंग मिल जाती है, और इसके बीच में जो ये गैप दे रखा है ना, तो इसके बीच में देखो एक पूरे हाथ का गैप है, तो इसके बीच से आप लोग का एयर वेंटिलेट होते रहेगा, जिससे कि आप लोग को पसीना भी नहीं होगा। साथ में आपको ये दे रखा है, जिससे कि आप लोग
इस चीज़ को एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप लोग ट्रैकिंग करो, हाइकिंग करो, कैंपिंग करो, किसी भी दौरान आप लोग इसको यूज करते हैं तो आपको कभी भी बैक पेन की दिक्कत नहीं आएगी। साथ में आप लोग को इस बैग में हर जगह स्ट्रैप होल्डर मिलेंगे, जिससे कि आपके स्ट्रैप्स जो है कि लटके हुए नहीं रहेंगे और ये सब एक जगह बंधे हुए रहेंगे, जिससे कि बैग दिखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। तो अब बैग को ओपन करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि कितनी जगह हमको मिलती है, क्या क्या हम इसके अंदर रख सकते हैं। सबसे पहले हमें इस स्ट्रैप को खोलना होगा, तो यहीं पर आप लोग को सबसे पहले एक चैन मिल जाती है, जिसके अंदर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट, एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो चीज़ रख सकते हैं, जो कि आप लोग इजी कैरी कर सकते हैं। तो इसके अंदर दो रस्सियाँ मिलती हैं, एक को खोलते ही आपका बैग जो है थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, और उसके अंदर एक और है जिससे कि अंदर हम लोग कुछ सामान रख सकते हैं। तो इसको खोलेंगे तो यहाँ पर हम लोग अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं। तो जैसे कि 65 लीटर का बैग है, तो बैग के अंदर काफ़ी स्टोरेज है, जिसके अंदर आप लोग ए टू जेड अपनी सारी चीज़ें रख सकते हैं। देखो, मैंने स्लीपिंग बैग और टेंट रख रखा है। यहाँ पर लैपटॉप कंपार्टमेंट है, जिसके अंदर आप लोग अपना कोई सा भी लैपटॉप रख सकते हैं, ए टू जेड साइड इसके अंदर आ जाता है। साथ में आप लोग को यहाँ पर मिल जाती है एल्यूमिनियम रॉड, जिसकी हेल्प से जो है कि आप देख सकते हैं, अभी इसको मैंने छोड़ दिया ना, तो देखो ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया, जिससे कि आप लोग रक्सैक को एक जगह पे प्लेस कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से। साथ में इसमें सपोर्ट के लिए पीछे फाइबर लगा हुआ है, जिससे कि इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। ये भी बैग को स्टेबल रखने के लिए, एक जगह खड़ा रखने के लिए काफ़ी यूजफुल चीज़ है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो भाई एक नंबर है, 10 में से 10 मैं इसको देना चाहूँगा। तो सेकंड मोस्ट यूजफुल गैजेट आप लोग के लिए ये रहा, जो कि होने वाला है स्लीपिंग बैग, जो कि ट्राइपॉल कंपनी का है ये भी। और भाई साहब क्या ही क्वालिटी है इस स्लीपिंग बैग के बारे में आप लोगों को अच्छे से फीचर एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ट्राइपॉल की ब्रांडिंग देख सकते हैं, ये है शिवालिक सीरीज का 0 डिग्री स्लीपिंग बैग, जिसकी लार्ज साइज है और 185 सेंटीमीटर यानी कि 6 फीट का कोई भी बंदा आसानी से फिट हो सकता है। स्लीपिंग बैग के बाहर इसका कवर मिल जाता है, जिस पर स्ट्रैप्स लगे हुए हैं, जो कि इसको और ज़्यादा अच्छे से टाइट करने के काम आते हैं। तो चलो इस स्लीपिंग बैग को ओपन करते हैं और इसके सारे फीचर एक एक करके आपको मेंशन करते हैं। तो सबसे टॉप में कैप में आप लोगों को ट्राइपॉल की ब्रांडिंग दिख जाती है, साथ में यहाँ से आप लोग इसको खोल सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को सबसे बढ़िया चीज़ जो मेरे को लगी, डुअल साइड चेन मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। और मेरे को सबसे बढ़िया बात क्या लगी पता है, ये आसानी से बिना अटके मतलब बंद भी हो जाती है और खुल भी जाती है, देखो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद बात करूँ स्लीपिंग बैग की कलर की, तो ये ब्लैक एंड ब्लू कॉम्बिनेशन में, ब्लू सिर्फ इधर इधर पर है, बाकी का पूरा स्लीपिंग बैग जो है कि ये पूरा ब्लैक है। और इसकी लंबाई है ना 150 सेंटीमीटर यानी कि 6 फीट तक का कोई भी बंदा इसके अंदर आसानी से फिट हो सकता है। अगर मटेरियल की बात करें तो सॉफ्ट पॉलीफिल हो रखी है इसके अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट इसका मटेरियल है। और जो ये फैब्रिक है ना बाहर का, तो ये जो है कि वाटर रिपेलेंट है, यानी कि अगर पानी अगर आपसे गलती से गिरता है इसके अंदर तो एकदम एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये बाहर की तरह बह जाएगा। हैवी रेन के लिए नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत पानी जो है कि वाटर रिपेलेंट, आप समझ सकते हैं कि थोड़ा पानी अगर गिरता है तो वो सोख नहीं करता है, ये सीधा सीधा फिसल के यहाँ को चले जाता है। तो गाइस स्लीपिंग बैग का एक और प्लस पॉइंट क्या है पता है, इसके अंदर बॉटम साइड पे आप लोगों को फ्लीस लेयरिंग मिलती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा वार्म फील होने वाला है, तो ये भी इसका एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है। स्लीपिंग बैग के अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नेक रेस्ट कुशन, जो कि आप लोग देख सकते हैं नेक के इधर पे लगा हुआ है, जिससे आपको नेक को भी आराम मिलेगा, साथ में एयर को भी रोकता है, अंदर साइड की एयर बाहर नहीं आने देता और ना बाहर के एयर को अंदर आने देता है। स्लीपिंग बैग के अंदर आप लोग को इनर साइड पॉकेट भी मिल जाती है, जो कि देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको पॉकेट मिलती है, जिसके अंदर आप लोग अपना मोबाइल फ़ोन या फिर कुछ भी रख सकते हैं, जो कि आपकी सेफ्टी पर्पज़ भी हो सकती है। सबसे बढ़िया बात मेरे को ये लगी कि जिप की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जितना मैंने सोचा नहीं था, देखो कहीं पर भी अटक नहीं रही है, सबसे बढ़िया बात हो जाती है इसकी। और अंदर साइड से भी आप ऐसे जिप बंद कर सकते हो, तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहा हूँ मैं इसके अंदर। और अगर मेरे को और ज़्यादा इसको टाइट करना है तो ये नेक में आप लोग देख सकते हैं, दो दो ये दे रखे हैं, जिससे कि आप इसको टाइट भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि अंदर साइड हवा ना जाए। तो आप भी अगर कैंपिंग हाइकिंग वगैरह करते हैं तो भाई आपको स्लीपिंग बैग की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, तो भाई मेरे पास तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है, आप भी इसको आराम से परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं सारी चीज़ों का लिंक दे दूंगा। अब बात करते हैं थर्ड मस्ट यूजफुल गैजेट की, जो कि होने वाला है ये हेडलैम्प। हेडलैम्प के टॉप पर आप लोगों को ट्राइपल की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, साथ में इसके दो मोड मिलते हैं, जिनके दोनों के डिफरेंट यूज हैं। ये है
मोशन सेंसर वाला बटन एंड ये है पावर बटन। पावर बटन से बेसिकली आप लोग इसके अंदर के जितने भी मोड्स हैं वो सारे चेंज कर सकते हैं, कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप की इंटेंसिटी के ऑप्शन है जिससे कि आप लोग इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोग के सामने में सारे मोड दिखाता हूँ एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले मोड में आप लोग को हाई इंटेंसिटी मिलती है भाई, जिससे कि आप बहुत दूर दूर तक फोकस कर सकते हैं। इसके बाद आता है लो मोड, जिसके अंदर आप लोग को इससे थोड़ा कम ब्राइटनेस मिलती है। ये लो मोड है, और एक ये ब्लिंक वाला मोड है इमरजेंसी वाला, और एक रेड वाला मोड है। आपको रेड दिखाता हूँ, तो आप लोग को रेड वाला दिख रहा है, देखो ये। तो ये है रेड वाला मोड, तो इसी पे रेड इमरजेंसी वाला मोड एंड ऑफ। साथ में जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी है मेरे को वो लगी है ये मोशन सेंसर बटन। जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ देखो लाइट खुल गई है, जैसे ही मैं इसके सामने से कुछ भी एक्शन करता हूँ तो ये बंद हो जाती है एंड फिर से ओपन आती है। बंद ओपन, बंद ओपन, बंद ओपन। साथ में इसके साथ मिलता है सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल बैंड, जो कि आप लोग का स्ट्रेचेबल है, और साथ में आप लोग इसको टाइट वगैरह ढीला वगैरह सारी चीज़ कर सकते हैं। देखो ये इस तरीके से आराम से ये टाइट हो जाता है, ढीला हो जाता है। और सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है कि आपने इसको पहना है करके भी पता नहीं चलता है, यानी कि आप लोग को कोई भी पेन नहीं होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल ये बैंड मेरे को लगा। अब बात करते हैं इसके एक और सबसे मेन इंपॉर्टेंट यूज की, जो कि है ये देखो ये। आप लोग इसको अगर पहन लेते हैं एक बार बैंड को, तो उसके बाद आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, आप लोग को इसको निकालने की जरूरत नहीं होगी, आप लोग आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप सबको मिलता है रिचार्जेबल, देखो भाई रिचार्जेबल इसके अंदर ये लाइट है, तो जो कि 2 से 3 घंटे लगते हैं इसको फुल चार्ज होने में। से ये फुल चार्ज हो जाती है तो इसका बैकअप मिलता है आप लोगों को 3 से 4 घंटे का प्रॉपर बैकअप, जो कि डिपेंड करता है इसकी इंटेंसिटी पे कि आपने इसकी लाइट की इंटेंसिटी क्या रख रखी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आपको पता ही है। अगर आप तेज करेंगे तो आपकी थोड़ा बैटरी बैकअप कम देगा, और वरना आपका बैटरी बैकअप अलग अलग है, देख सकते हैं इंटेंसिटी, तो इसके हिसाब से आपको बैटरी बैकअप मिलने वाला है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। आपको अगर इनमें से कोई सा भी प्रोडक्ट लेना है तो डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे रखा है, या फिर आप लोग डायरेक्ट www.tripod.in पर जा सकते हैं और वहाँ से ये सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। और कमेंट करके बता देना कि भाई वीडियो कैसी थी, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आप हमारे आने वाले तगड़े तगड़े वीडियोज़ देख सकें। ठीक है, बाय बाय।